एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने मोस्टली पास्टर्स को करते हुए देखे हैं, वो जब भी बाइबल पकड़ते हैं प्रीचिंग करने के इरादे से पकड़ते हैं। उन्हें मालूम है कि आज मीटिंग है, हमने बाइबल पढ़ के आज वचन देना है, हमने बाइबल पढ़नी है, लोगों को कुछ बताना है। मेरे लिए आज की लाइफ में, मैं बुलबट में हूं आपके सामने, अगर कोई सबसे एक्साइटेड चीज है मेरी लाइफ में आज, तो वो बाइबल पढ़ने का टाइम है। सबसे एक्साइटेड टाइम मेरी लाइफ में, और मैं टिक करता हूं अकेले अकेले जो मैंने वर्स पढ़ी। ए नहीं, आज इधरों चक ली बाइबल को, आज इधर से पढ़ ली, कल उधरों पढ़ ली। लाइफ भी इसलिए ऐसी है लोगों की, कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई। आज से 5 महीने मैंने कौन सा वचन पढ़ा था, वो टिक है मेरी बाइबल में। 6 महीने में कौन सा वचन पढ़ चुका हूं, वो टिक किया हुआ मैंने अपनी बाइबल। मैंने बाइबल इस तरह की ली है कि मेरे को पहले पता होता है बाइबल उस मिथ्यूस अगर मैंने पढ़ना है तो उसके पहले टिक हुआ होता कि मैंने 3 बाब पढ़ लिए, अब चौथा और पांचवा पढ़ना है। कब पढ़े थे मेरे को मालूम है। वचन का कोई स्थान नहीं लोगों की लाइफ में। बाइबल तब पढ़नी है जब प्रचार करने के लिए जाना है, या अपनी वाइफ को सिखाना है, या अपने हस्बैंड को सिखाने के लिए जाना है, या अपने फादर को सिखाने के लिए। नो, आप जब रोज बाइबल पढ़ते हो, आप इसलिए बाइबल पढ़ते हो कि आप अपनी गवाही के वचन पे स्थिर रह सके, आप ग्रेस ले सके परमेश्वर से कि परमेश्वर जो गवाही मैंने अपनी ली हुई है आपसे, मैं उसे मेंटेन कर सकूं। क्योंकि गवाही लेना बड़ी बात नहीं, गवाही मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। प्रेयर करना बड़ी बात नहीं, प्रेयर करते रहना बड़ी बात है। बाइबल पढ़ना बड़ी बात नहीं, बाइबल पढ़ते रहना। रोजे रखना बड़ी बात नहीं, रोजे रखते रहना। अधीनगी करना बड़ी बात नहीं, बड़े लोग करते हैं 1-2-4 साल, लेकिन करते रहना ये बड़ी बात है। आमीन। और आज भी जब मैं बाइबल पढ़ने के लिए अपने रूम में अलग जाता हूं ऊपर, तो मेरे को मालूम है कौन सी लाइन मैंने पढ़ी है, कौन सा हिस्सा मैंने पढ़ा है। और मैं बाइबल एक जगह से पढ़ता हूं तो मैंने कम से कम, मैं मेक श्योर करता हूं पुराने नियम से कम 2 हिस्से, या एक मूसा का हिस्सा, एक प्रॉफिट का हिस्सा, एक भजन संहिता का हिस्सा, और नए नियम में लूक, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसके अलावा पौलुस का हिस्सा, ये 2 हिस्से मैं जरूर पढ़ूं। और मैं ऐसे बाइबल पढ़ता हूं, मेरे को भूलती नहीं फिर वो। मेरे को पुराना नियम भी दिमाग में साथ साथ चल रहा है, नहीं तो आप नया नियम पढ़ोगे आपको पुराना भूल जाएगा, पुराने में क्या है। अगर आप पुराना पढ़ोगे नया भूल जाएगा। मैं बाइबल इस तरह से पढ़ता हूं ताकि मैं सीख सकूं, पर्सनल लाइफ मेंटेन कर सकूं, क्योंकि शैतान पे फतह अब अपनी गवाही के वचन के कारण पाते हैं। और बिना बाइबल पढ़े आप गवाही का वचन, अपनी गवाही को मेंटेन नहीं कर सकते हो। जिस चीज के लिए आप 7 साल से प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप बाइबल पढ़नी शुरू करें, जवाब उसमें मिलेगा। क्योंकि जिस चीज का जवाब परमेश्वर ने लिखित वचनों में दिया हुआ है, वो बोल के कभी नहीं देगा आपको। अब वो कभी आवाज नहीं आएगी उस चीज की, जो चीज पहले से बाइबल में लिखी हो। ये आपका काम है बाइबल में ढूंढना। आमीन।